स्वागतम दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं सजा क्लासेस चैनल को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेफ्टाजेसिक डीएस सिरप या फिर सस्पेंशन की बात कि मेफ्टाजेसिक डीएस सस्पेंशन क्या होता है। और दोस्तों साथ ही साथ बात करेंगे हम इसके कॉम्बिनेशन की, जो मेफ्टाजेसिक डीएस सस्पेंशन या सिरप में क्या क्या कॉम्बिनेशन पाया जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों इसके यूजेस की, जो मेफ्टाजेसिक डीएस सिरप या फिर सस्पेंशन होता है उसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है और इसे किस प्रकार से यूज किया जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट बात करेंगे इसकी डोज फॉर्म की, जो मेफ्टाजेसिक डीएस सिरप या सस्पेंशन होता है वो किस किस डोज में पाया जाता है या फिर कितनी क्वांटिटी में पाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट की कि मेफ्टाजेसिक डीएस सस्पेंशन या फिर सिरप के क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। और लास्ट में बात करेंगे दोस्तों हम इसके सेफ्टी की, ये कैसे कैसे या फिर किस किस को लेना चाहिए या फिर इसके क्या क्या सावधानी इसके साथ बरतनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आइए जानते हैं दोस्तों मेफ्टाजेसिक डीएस के बारे में कुछ नई बातें। दोस्तों, आपका फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अब बात करते हैं मेफ्टाजेसिक डीएस सस्पेंशन या सिरप के बारे में। ये जो सिरप या सस्पेंशन होता है, ये दो मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला क्या पाया जाता है, पैरासीटामोल पाया जाता है, और दूसरा जो पाया जाता है इसमें मेफेनेमिक एसिड पाया जाता है। जो इसमें पैरासीटामोल पाया जाता है वो कितने एम जी पाया जाता है, 125 mg पाया जाता है, और जो इसमें मेफेनेमिक एसिड पाया जाता है वो 50 mg पाया जाता है। यानी इन दोनों की क्वांटिटी 5 ml में 125 mg पैरासीटामोल पाया जाता है और 50 mg क्या पाया जाता है, मेफेनेमिक एसिड पाया जाता है। साथ ही साथ पैरासीटामोल क्या करता है, एंटीपायरेटिक का काम भी करता है और एनाल्जेसिक का काम भी करता है, या फिर यह फीवर को कम करने का काम भी करता है और साथ ही साथ क्या करता है, सूजन को या फिर दर्द को भी कम करने का काम करता है। जब किसी पेशेंट को क्या होता है, किसी कारणवश क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसको कम करने का काम भी ये करता है। उसके और जो नेक्स्ट पाया जाता है इसमें मेफेनेमिक एसिड पाया जाता है, जो क्या होता है NSAID ग्रुप से ली गई होती है, जिसका मीन्स क्या होता है, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है। मीन्स क्या क्या होता है, इसमें कोई स्टेरॉयड पार्टिकल्स नहीं पाया जाता है। और दोस्तों, इसमें मेफेनेमिक एसिड का कहाँ यूज किया जाता है, दर्द में दर्द को कम करने में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि दर्द कई कारणवश हो सकता है, तो उस सारे दर्दों को कम करने में मेफेनेमिक एसिड का यूज किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके यूजेस की, जो मेफ्टाजेसिक डीएस सिरप या फिर सस्पेंशन होता है उसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों, पहला जो यूज किया जाता है इसका, बुखार उतारने में यूज किया जाता है। और जो सेकंड जो यूज किया जाता है इसका, दर्द में या फिर दर्द को कम करने में यूज किया जाता है। दर्द वो कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि कमर दर्द या फिर सिर दर्द या फिर किसी कारणवश चोट लग जाती है उसको कम करने में, या फिर अर्थराइटिस में भी यूज किया जाता है इसका, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी यूज किया जाता है दोस्तों इसका, या फिर बच्चे के गिर जाने से जो चोट लगती है उसमें जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए यूज किया जाता है। और दोस्तों, इस सस्पेंशन या सिरप का बच्चों में बहुत ज़्यादा अधिक यूज किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की, जो मेफ्टाजेसिक सस्पेंशन या सिरप होता है उसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। पहला जो पाया जाता है दोस्तों, इसका नोजिया पाया जाता है, यानी इसे खाने से क्या हो सकती है, उबकाई से आ सकती है, वोमिटिंग उल्टी हो सकती है, हेडेक से में दर्द हो सकता है, डिजीनेस सुस्ती सी आ सकती है, और ब्लर्ड विजन हो सकता है, मतलब धुंधला सा दिखाई दे सकता है, दिखाई देना हो सकता है, या फिर ईचिंग हो सकती है, रैशिस स्किन पर रैशिस हो सकते हैं, या फिर स्किन कह सकते हैं कि लाल सी हो सकती है। इसके ये कुछ साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। अगर दोस्तों इनमें से आपको कोई भी साइड इफेक्ट नज़र आता है, तो आप इस मेडिसिन के लेना तुरंत बंद कर दीजिएगा और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, इससे वो कोई और अच्छी मेडिसिन देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसकी सावधानी की, कि हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग में, या फिर सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ को, या फिर जब बच्चे छोटे होते हैं उनमें बड़ी सावधानी से दवाई देनी चाहिए, और डॉक्टर के बिना इस दवाई को देना नहीं चाहिए, और डॉक्टर की देखरेख में इस दवाई को दें। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये YouTube वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ये वीडियो किसी और के भी काम आ सके।